वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी, अज तुहाडे नाल गुरु साहब दे इक चमत्कार दी गल करांगे। शायद उस उपर तुहानू यकीन ना होवे। अपने चैनल दे सबसक्राइब मतलब अपना परिवार हुण 1.25 लाख पार कर गया है। उसले तुहाडा सब दा दिल तो धन्नवाद करदे हां। अगे भी एदां ही प्यार दिंदे रहियो। संगत जी, वीडियो नू लाइक ते कमेंटां दे विच वाहेगुरु लिख के अपनी हाजरी जरूर लगवाना। तुहाडे नाल हुण सच्ची कथा सांझी कर लैंदे हां। लुधियाणे शहर दे शमशान घाट दे विच इक मरिया होया बंदा जिउंदा हो गया। अते लुधियाणे शहर दे उस शमशान घाट दे विच लोकां दी भग दौड़ मच गई ते सारा शहर अपने अपने घरां दे विच वड़ गया। मरण तो बाद की हुंदा है, आत्मा किथे जांदी है अते नरक स्वर्ग की हुंदे ने, इस बारे हर कोई जानना चाहुंदा है। इस दे भेत कोई भी नहीं पा सकिया। हिंदू मत मुताबिक स्वर्ग दे विच देवते वास करदे ने अते हर तरह की सुख सहूलत उत्थे हुंदी है, अते नरक विच जमा दी मार पैंदी है अते कर्मां दे हिसाब दे नाल तरह तरह दियां तरावां चलदियां आ रहियां ने। धर्मराज दी कचहरी लगदी है, चित्रगुप्त बंदियां दी जिंदगी दा सारा चिट्ठा खोल दिंदा है ते कर्मां दे हिसाब दे नाल उसनूं सजा जां फिर स्वर्ग जां नरक दे विच भेजिया जांदा है। इह पुराने समें तों ही साडे धर्मां दा मनणा है ते कई लोकां दी सोच इह वी है कि नरक स्वर्ग किते दूर नहीं, इसे ही दुनिया दे उत्ते ने, जो जिंदगी दे विच भुगतने पैंदे ने। पर इस दे पिछे दी सच्चाई कोई नहीं जान सकिया। कहा जांदा है कि विज्ञानियां ने एक प्रयोग किया सी जिस दे विच धरती दे विच बहुत डूंघे छेक किते गए। एक समा ऐसा आया जदों धरती दे निचों आवाजा आउण लगियां अते बहुत भयानक आवाजा आउण दे कारण ओह खुदाई बंद कर दिती गई ते उस डूंघे छेक नूं अज कल भयानक आवाजा वाला छेक भी कहा जांदा है, जो अज भी इस दुनिया दे उपर मौजूद है। एक अजिही घटना जिस विच एक ओह पंजाब दा शख्स ने अपनी हड बीती सुनाई जिस नूं सुन के तुसी यकीन करना मुश्किल हो जांदा है। पर उस घटना दे नाल उस शख्स दी जिंदगी ही बदल गई ते गुरु साहब दी ऐसी कृपा हुई कि ओह शख्स गुरु वाला बनिया ते मौत दे मुंह दे विचों बाहर आया। लुधियाणे शहर पंजाब दा इक मन्या परमन्या शहर है। इस नूं पंजाब दा गढ़ भी कहा जांदा है। उत्थे रहण वाला हरिंदर सिंह नां दा व्यक्ति उत्थे दी ही इक फैक्टरी दे विच इंजीनियर है। हरविंदर सिंह ने अपनी जिंदगी दी इक अजिही हडबीती दसी जिस नाल ओह गुरु वाला बनिया अते जिंदगी दी दास्तान बहुत ही अनोखी ते दुर्लभ सी। हरिंदर सिंह सिख परिवार दे नाल संबंध रखदा सी अते पिछले 16 सालां तों फैक्टरी दे विच ही इंजीनियर दा काम करदा सी। सिख दे घर विच जम्मिया सी पर अपनी दाढ़ी कतल करांदा सी। घर वालियां ने काफी समझाया पर उसदी आदत नहीं जा रही सी। घर वालियां दे बार बार कहण ते भी उसदे अंदर कुछ ना कुछ फर्क पै रहा सी। अते एक बार उसने मन बना लिया कि ओह गुरु वाला बनेगा ते अमृत छकेगा। उसने दाढ़ी कतल कराना बंद कर दिती ते संगराज ते अमृत छकण दा मन बना के उसने अपने नाम भी लिखवा दिया ते अगले दिन संगरात सी ते हरविंदर सिंह ने अगले दिन अमृत छकना सी। रात नूं हरविंदर सिंह सुते ते उसनूं छाती दे विच दर्द होया, उसनूं झटका जहा महसूस होया। जदों उसनूं होश आई तां उसने दो बंदे किसे अनजान जगह ते लै के जा रहे सी। पर हरविंदर सिंह नूं कुछ भी समझ नहीं लग्या ते ना ही उसने उन्हां बंदियां दे कोलों कुछ पुछया। कुछ समय बाद उसने एक अजिही जगह ते उत्ते लै गए जिथे संगीत दी आवाज आ रही सी ते प्रकाश ही प्रकाश चारों पासे सी। उसने पुछया कि एह केड़ी जगह है ते जवाब मिलिया कि एह स्वर्ग है।
हरविंदर सिंह हैरान सी ते कहन लग्या कि मैं मर गया हुण मैनूं स्वर्ग लैके जा रहे हो। तां जमदूता ने उसनूं कोई भी जवाब नहीं दिता। कुछ समय बाद ओह अजिही जगह दे कोल लंघिया जिथे बहुत भयानक ते दर्द भरिया आवाजा आ रही सी। हरविंदर सिंह ने कहा कि मैनूं नाल लैके जा रहे हो तां जवाब मिलिया पहला तेनूं धर्मराज दे कोल पेश कीता जावेगा। एह फैसला करनगे के तूं नरक भेजना है जां फिर स्वर्ग। धर्मराज दी कचहरी दे विच पेश कीता गया तां ते उसनूं उत्थे काफी समां उडीक करनी पई ते जदों उसदी वारी आई तां इक बंदा धर्मराज दे कोल बैठा है उसदा सारा जीवन पढ़ रहा सी। हरविंदर ने दस्या कि कुछ समय दे विच ही मेरा सारा जीवन मेरी अखां दे सामने आ गया। धर्मराज नूं दस्या गया कि इसने जिंदगी विच चंगे कर्म कीते ने ते माड़े कर्म भी कीते ने। जदों धर्मराज फैसला देण लग्या तां हरविंदर सिंह कहण लग्या कि मैं तां हले जिउणा सी, हले मैं बहुत कुछ करना सी, बहुते चंगे कम भी करने सी ते मैं तां कल गुरु वाला भी बनना सी। ते धर्मराज ने कहा कि तेरा समा तां पूरा हो चुकिया है, इह तां विधि दा विधान है जिस नूं कोई बदल नहीं सकदा ते ना ही हुण कुछ हो सकदा है। हरविंदर सिंह ने कहा कि मैं तां हले अमृत छकना सी, इह गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं अपना गुरु भी मनना सी। गुरु साहब दा नाम जदों मूंह तों निकले ते धर्मराज बिल्कुल चुप कर गया। कुछ समां शांत होण तों बाद दो सिंह नीले बाणे दे विच धर्मराज दी कचहरी दे विच हुंदे हन ते हरविंदर सिंह उहनां नूं वेख के हथ जोड़ के खड़ा हो जांदा है अते सिंघां नूं देख के उत्थे कोई भी नहीं बोलदा। ओह सिंह हरविंदर दा हाथ फड़ के कुछ समय बाद हरविंदर दियां अखां अगे प्रकाश ही प्रकाश आ जांदा है ते फिर उसनूं इक झटका जिहा महसूस हुंदा है। जदों उसनूं होश आंदी है ते ओह अपने बैड दे उपर ही हुंदा है। होश आउण तों बाद उसनूं समझ नहीं लग रहा सी कि इह कोई सुपना सी जां फिर कोई हकीकत। उसदे धर्मराज दा शुकर कीता अते इशनान करन तों बाद गुरुद्वारे साहिब चला गया। उत्थे जा के अमृत पान कीता अते अज पूरे 5 साल हो चुके ने सिख धर्म दा प्रचार दे विच हरविंदर सिंह काफी योगदान पा रहा है ते उसदी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। जो भी सी सुपना सी जां फिर हकीकत पर उन्हां दे नाल जोड़ दिता है। तुहानू इस कहानी तो की सिख्या मिलती है अपने विचार कमेंटां दे विच जरूर दिओ। इस तरह दी वीडियो देखण दे लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो ते वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर करियो। नवीं वीडियो लैके जल्दी ही आवांगे। उदों तक दे लई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।